भीड़ कि खड़ा होने को भी जगह ना हो। ये कैंप से हमें पर्ची मिली 611 की, यहाँ तो देखो तो इतनी भीड़ है कि मम्मी तो कह रही उल्टी भाग ले। मैंने मम्मी तो वहाँ बैठा दी और मैं यहाँ लाइन में खड़ी हूँ। बहुत वेलकम टू नवीन डेडा व्लॉग्स। वेलकम बैक नवीन डेडा ब्लॉग। जय माता दी, राधे राधे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7 और अब हमारा हो रहा है पूजा का टाइम। हम नहा धो लिए अपने और ये कर रहे हैं मेरी पूजा। मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। पहले मैं धोती हूँ मंदिर के बर्तन, फिर गंगा जल छिड़कूंगी, मंदिर में पोछा लगाऊंगी और मैं सूर्य को अर्घ दे आई। पहले मैं उठते ही हाथ धोकर सूर्य को अर्घ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मंदिर की साफ सफाई करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, नहीं फिर कान्हा जी को नहलाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो भाई और इधर की मैंने झाड़ पूछ कर दी कमरे की और हमें जाना है हॉस्पिटल सुबह सुबह भी। पूजा करते ही चाय आ गई थी पापा मम्मी, चाय बन गई उनकी और जमी सी। मैं पूजा करके झाड़ू लगा कर पोछा आँखें लगाऊँगी और देखूँगी रोटी बना कर जा सकती पापा के लिए। जल्दी जल्दी कर लूँ मैं, फिर मुझे जाना हॉस्पिटल मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी के कान में पस पड़ रहा। मम्मी के कान की हड्डी गली बताई डॉक्टर ने, तो डॉक्टर बोल रहे दवाई खाने से कुछ ना होगा, इसको ऑपरेशन। तो हमें जाना है हॉस्पिटल, तो मैं जब जल्दी से अपना काम कर लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद मिलेंगे आपसे। पूजा हो चुकी है, कान जी नहा लिए, पूजा वूजा सब हो चुकी है, थोड़ी सी साफ सफाई हो गई और मम्मी ने गाय के लिए लोई बनाई है। गाय ना मिली, अब मम्मी रास्ते में देगी लोई गाय को। और चलो हम चलते हैं। लड्डू के पापा ने चाय वाय सब पी ली और मैं देखूँ मैंने मम्मी को सूट पहना हुआ। ये मम्मी को सूट है क्योंकि मेरे सूट सिल रहे, सूती सूट, मम्मी को ही सूती सा सूट है, मैंने पहन लिया पजामे पर। चलो भाई हम चलते हैं, फिर आके भी काम करना, जाते भी काम करना, इसलिए मैं कहीं जाती ना हूँ। पर लड्डू पापा कह रहे तू चल, क्योंकि अंदर जाना पड़ेगा मम्मी के साथ, तो इसलिए। और लड्डू भी ले जाना पड़ेगा, लड्डू इसलिए ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई भी ना है, पम्बाई के साथ खेलेगा ना, और तो भाग गया थोड़ी देर में। जल्दी है हॉस्पिटल सुबह सुबह, मम्मी को अचानक ले जाना पड़ रहा हमें हॉस्पिटल। ये बुढ़िया में तीन इन्हें प्राइवेट दवाई भी खवा ली, सरकारी दवाई भी खवा ली, पर ये ठीक होने को ना मिल रही। डॉक्टर ने आप कहा कि इनका ऑपरेशन होगा पैर को, कह रही हूँ मेरे पैर का हुआ ना, मेरा दिमाग चल रहा। इनका कान को ऑपरेशन होगा, हड्डी गली बताई है, कान में शराब सड़ रहे हैं और डॉक्टर कह रहा कि दिमाग पे भी असर। हे भगवान, दिमाग पे मन के असर में या हमारे। मैं तो सुबह सुबह ही लड्डू पापा और मैं लिखकर दिए भाई दिमाग पर असर पड़ेगा तो भाई बहुत जीतेगी लड्डू ना, दादी लड़ेगी ना फिर हमते। अगर जो दिमाग पर चलेगी ना तो फिर हम मम्मी हम तो लड़ती रहेगी हमारा, हम दिमाग तो पहले ही कर रहे। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है ये, बहुत दूर है, पता ना कहाँ ना, अभी तो जा रहे हैं मंदिर। हाथ जोड़ लेते देखो उधर ही से मंदिर दिखो। हाँ लोकेशन डाल दो, अभी डाल दो। तो चलो हम आपको मिलते हैं हॉस्पिटल में, या इन कौन को जड़ से ही करवा देंगे इलाज इनको, ये फिर सुख से रहेंगी। ये तो 3 साल हो गए दवाई खाता खाता। हाँ 3 साल थोड़ी ना होती ना, मुझे अपने पीहर डटन दे में बहुत हो जा, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मुँह पे काम न हो रहा, मुँह चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिमाग सिर रहा है, यू कह। अब देखूंगी कैसे रोक लोगी, अब कौन को ऑपरेशन करवा के जाऊंगी। हमारे ना इतने इसे जितनी जगह मंदिर दिखाओ ना उतनी जगह, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, कोई मंदिर इसने ऐसा ना छोड़ा कि हाँ हाथ न जोड़े हो। हाँ लड्डू मंदिर तो बहुत प्यार है तुझे भगत जी। ओ लड्डू कहाँ मंदिर है, हमने तो नहीं देखा। मंदिर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे, हाथ जोड़ लिया। जहाँ मंदिर दिख रहे ना, हाँ यार कह रहा हूँ वहाँ जाऊंगा। कौन से मंदिर कह रहा है यार, बालाजी मंदिर है ना एक इधर ही, वहाँ कह रहा हूँ वहाँ जाऊंगा। जाएगा तू बालाजी मंदिर? हाँ। हाँ? हाँ। हम तो लेकर जा तो मैं तोड़ा मत ना। चलो जी।
लाल किले आ गए हम, देखो लाल किला खुला पड़ा, पूरा खुला है तो आज तो कोई भीड़ भाड़ ना है, यहाँ भीड़ ना रह रही नहीं लाल किले में। लड्डू यहाँ घूमने आते हैं लाल किले में, आओगे आप? जब जय आएगा ना जब आएंगे घूमने, है ना? अभी आएगा जय, जय जय पता नहीं कब आएगा, आज आएगा कि कल आएगा, आज आएगा रात को, इसको जोड़ीदार आ जाएगा ना तो फिर पूछो मत ना, पूरे घर में उदंग मचा दिया जाएगा। मजे आएंगे तो यहाँ तक खूब मस्ती करेगा तो अच्छा, मतलब ये कि उसके घर खेलने जाते कह रहा हूँ, मैं उसके घर भी ना जाऊंगा, वही मेरे घर आएगी खेलने। कि खड़ा होने को भी जगह ना हो, ये कैंप से हमें पर्ची मिली 611 की, यहाँ तो देखो तो इतनी भीड़ है कि मम्मी तो कह रही उल्टी भाग ले, मैंने मम्मी तो वहाँ बैठा दी और मैं यहाँ लाइन में खड़ी हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखते क्या होता, ना होएगा तो ठीक है, होएगा तो ठीक है, चले जाएंगे वेट करके। हमारे पसीने पसीने में कितने हम तरम तर हो रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वही चल रहा है मम्मी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लोकनायक हॉस्पिटल है ये, लोकनायक हॉस्पिटल, इतनी भीड़ इस हॉस्पिटल में जिसको कोई हद ना है। हम तो आगे क्योंकि मम्मी पापा की सरकारी ड्यूटी है तो पापा का जो कार्ड है हम तो उससे ही करवा लेंगे। सुनो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप पापा के कार्ड से प्राइवेट करवा लो, वैसे ही ऐसी करेंगे, पापा की कॉफी ना खोगी इसलिए हमें हड़प का खाने पड़ रहे हैं, अब पापा की कॉफी खोगी तब बनवाएंगे हम, नहीं क्योंकि हम जा रहे घर, इतनी भीड़ है यहाँ, पूरा हॉस्पिटल ही अभी चल ही रहा है, देखिए लड्डू गाड़ी में बैठे हैं, मैं और मम्मी गए, हम तो आगे वहाँ तो लाइन ही देखते हैं क्योंकि पहले पर्ची बनवानी, फिर उस पर स्टैम्प लगवाना, फिर उसके बाद डॉक्टर देखते, फिर उसके बाद दूसरी लाइन लगती, चार पाँच बजे तक तो पर्चा ही बनता और हमारी हालत होगी ख़राब। चलो हम थोड़ी सी घर जाकर वैसी मेहनत कर लेंगे अपनी, मम्मी की काफ़ी वाफ़ी बनवाने का। लड्डू जय बजरंग वाली, जय बजरंग वाली, तोड़ दे दुश्मनी की नली, किससे प्यार कर रहा? बाबा जी, बाबा जी, राज राज बोल दे तो, चलो जय बजरंग वाली बोल दे। भाई मैं आ रहा हूँ बहन को जा रहा हूँ सिराजपुर, बहन लेने अभी मैं सीएनजी डलवा रहा हूँ बस के, और ऐसे कंटिन्यू व्लॉग मिलेंगे तुम्हारे साथ, तो दो तीन दिन बहन के साथ मजी मस्ती मजा आप लोगों को, मज़ा आने वाला हो व्लॉग में, अभी प्रैंक भी सोच रहे एक आधे में प्रैंक करेंगे। तो गाइस अब चल दिए हम घर को, बस बहन आ रही है अभी ताड़ा लगा के, बस वो बैठ गई है, जय बाटी बैठ चुका है और सामान वामान रख लिया, इस साइड में रख दिया ना, एक साइड में, तो अब हम जाकर प्रैंक करेंगे, डेढ़ा डेढ़ व्लॉग आएंगे, डेढ़ा डेढ़ एक दिन में दस दस व्लॉग आएंगे, ऐसा ना होगा फिर, एक भी लाइक करो गाइस, हाँ एक दिन में एक ही व्लॉग आएगा पर प्रैंक जरूर आएगा, हफ्ता में एक प्रैंक सोचेंगे, प्रैंक का सामान भी ले आएंगे। चलो ठीक है ना, अभी प्रैंक करेंगे, सोचेंगे पहले घर घर जाकर, पहले बताते हैं क्या प्रैंक, बताते कि फिर प्रैंक की रह जाएगा, सरप्राइज रहेगा। तो चलो भाई जय बाप्पा की। भाई बच्चे खेल रहे हैं, ये बस शाह क्या कर रहे हो, बट्टी पढ़ाई कर रहे हो? ठीक, भाई पिंकी बना रही है नाश्ता, चाय परांठे, सवेरे सवेरी पसीने में लाहो लहून, ओहो बहन आई है ना, अब ये बालक पूरे घर में उदम मचा कर रखेंगे, मम्मी भगत नहीं पूजा कर रही है, तो बच्चे ओ भाई यार कौन जा रहा, अरे सुक्का हल्का भैया, ना चल लो नाश्तो, मजे सेवा हो रही है, सेवा हो रही है, बढ़िया
बढ़िया सेवा हो रही है। आज कहते तू पड़ी रहे भाई ना टाइम तो मैंने फोन करो कल बस ने बताई वो सो रही है सारू बेटू सारू इसका तो बेटू है। काम हो चुका है, किचन की साफ सफाई होगी, सारे बर्तन धो के लगा दिए, किचन साफ कर दिया और इधर से भी झाड़ू वाड़ू लगा दिए, सिर्फ पोछा लगाना रह रहा। इधर की भी सफाई हो चुकी है, इधर देखिए ये साफ सफाई हो चुकी है और ये इधर दीदी के कपड़े रखे, इधर पापा मम्मी के प्रेस के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, ये लगाऊंगी अलमारी में और इधर का रूम भी हो गया साफ, ये भी हो गया और इधर हमारी दीदी सो रही है। हम सोच रहे दीदी आएगी बातें बातें करेंगे पर दीदी सो रही है अभी, सोने दो कोई ना। और इधर पापा मम्मी भी खाना वाना खा के सब देखो। मम्मी कैसे सो रही हो, कैसे सो रही हो, कहा कर सो रहे। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं बैट बॉल, इधर हो रही है बारिश और वो देखिए बाथरूम में कपड़े रखे हैं वो मेरे धुलेंगे। ओए जय क्या कर रहा है इधर बारिश में बेटा, गर्मी लग वो लग जाएगी, गर्मी गर्म सर्द हो जाएगी, बारिश भी पड़ रही है और आप खेल भी रहे हो तो सही है ना बारिश। लड्डू इधर कहाँ चढ़ रहा, जैसे जाऊंगा देखो इसके ऐप चल जा। ये बच्चे देखे यहाँ पूरी शैतानी कर रहे हैं दोनों, तो बस मेरा पोछा लगाना और है रहा, बस मैं पोछा लगा पहले, मैं बाहर मशीन लगा के आऊँ फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और ये देखिए पसीने में क्या हालत ख़राब हो गई, गर्मी बहुत हो रही है, मैं आऊँगी मुझे फल हवा लेकर। अभी दीदी थोड़ी देर में जगाऊंगी सोन को, इतने में मशीन लगाया हूँ, मशीन लगाने के बाद फिर दीदी को जगाऊंगी फिर। अरे यार कुछ थोड़ी बात बात करेंगे। मम्मी मम्मी आप सब सो रहे हो, मैं घूम रही हूँ तो मेरे तभी तो मुंड मारो कोई है मम्मी पापा मम्मी पता क्यों भागी कल हॉस्पिटल में था कि ऑपरेशन कैसे होएगा मेरे कौन को, डर गई है डर का हाँ तो भाग ली हॉस्पिटल में था। और भीड़ देख कर, भीड़ बहुत हो रही ना, भीड़ तो रहेगी और डर गई एकदम। तो चलो भाई अब हम कर लेते हैं अपना पोछा लगा ले, बट कपड़ा धो ले उसके बाद में लगे पोछा वोछा सब लग चुका है, मैंने सब लाइट ऑफ कर दी। इधर लड्डू के पापा भी कॉल पर से आ गए, वे भी आकर सो चुके हैं, वो देखो सो गए। और हमारे दो बंदर देखो मैंने इन्हें नहला दिया, एक से कपड़े पहरा दिए, एक से कपड़े पहरा कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी, एक से ही काम कर रहे हैं ये ऐप के। और बाहर देखो अभी इनके काम देखो, हटिया उतरिए फ्रिज पर से, देखिए देखिए भूख लग रही है अभी खाना खिलाया, चलो देख एक कहाँ चढ़ रहा, उतर उतर यहाँ से उतर, चलो चलो देखो इन दोनों बंदर ने, ये बंदर न सो सारे घर के सो गए, सारा काम हो चुका है, कपड़े धुल रहे बस बाहर। और इन्हें देखो बंदर नींद ना आ रही, हमारी दीदी अभी सोई रही है तो उठेंगी जब बस मेरे रूम की साफ सफाई रह रही है। देखो देखो इन बंदर में, आप वहाँ पे चली जाओ, मैं तेरे खिलौने चुरा रही हूँ। लड्डू तो बहुत हैवी होगा आजकल, पापा के खाना बनाने की होगी तैयारी, तो मम्मी बना रही करेला, मम्मी कह रही तू बनाएगी, मैं कह रही मम्मी तो आप बनाओगी, मम्मी बना रही है करेला की सब्जी, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन ऐसे चला होगा तो मैंने मम्मी से कही करेला बना दूँ, तो मम्मी प्याज इधर थोड़े से हमारे उबल रहे हैं करेला, क्योंकि धूप ना निकल रही, धूप निकलती तो हम उसमें थोड़ा सा धूप में सेक लगा दें, इसलिए हम करेला कड़े न होंगे इसमें गिर देंगे इसे डाल कर, तब आएगा ना हमें गलना ज़्यादा फिर वैसे हो जाएंगे पिलपिले से। तो और इधर मैंने लोई बना दी है, इधर टिफिन हो रहा है तैयार, जल्दी सी मम्मी सब्जी हटाएगी और फिर मैं बनाऊंगी रोटी, अब ऊपर जाऊँ फिर नीचे आऊँ, ऊपर जाऊँ फिर नीचे आऊँ। पापा को बन रहे हैं टिफिन की तैयारी, हमारे पापा जाए दुकान पर, हमारी दीदी अभी उठी है, 4 बज रहे हैं और हमारी दीदी अब उठी है, हेलो दीदी नमस्ते ठीक बा, ये सो के अभी उठी है। और हमारे बच्चे देखो खेल रहे बाहर जाकर,
पापा नहा लिए ड्यूटी के लिए, मम्मी पसीने आ गए, जल्दी सी मैं बना दूँ। तो चाय का टाइम हो चुका है, बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, पाँच बज रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्या सांस रही है मम्मी इतना सब्जी कहाँ चौंक दी मेरा जी और हम कर डाला तो पापा की रोटी की टाइम हो रहा, तो अगर जो मैं पहले नौ काट थी तो फिर क्या होता है, वो कर डाला गैस। देखो सुबह सुबह उठते ही कैसे अभी देखी टांग में लग रही, पाम भी ना टेक रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं भी चलाने जा रहा हूँ, गोदी ले लो और अब इसकी देखो कैसे चटक रही है, चटक रही है, लगी पड़ी है, तुम तो लंगड़े हो, मोए 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 मोए। वही सुबह सुबह उठ के से तो दोनों कल इन्होंने पूरे दिन आफत मचा कर रखी, पूरे दिन अरियान ने भाई पूरे दिन सोई है, खायो हगो सोयो, खायो हगो फिर सोयो, एक ये लोन दिया था एक अमीरी से, यहाँ तो गिना ही मत कहीं। हाँ मो गिना ही कहो तुम कहीं ऐसे। हाँ तो मोटी है। मुझे बाला की कुछ कुछ समझ नहीं। हाँ आप कौन समझ लोगे ना ना ये तो काली कलर की मोटी है। कैसे? तेरे तो बालक भी तो कुछ कह रहे हैं। कैसा? अब तुम भी काले जी तू मलूक है ना, तू इध को चौंद कते है ना, पम्मी चाचू कैसे है बता, कालो तो पम्मी चाचू कैसे, पम्मी चाचू कैसे हो, या चाचू काला काला, अरे की बहन भी नोना भी काली है, नहीं वो भी काली है, हम गोरी है, और तेरी चाची भी काली है, वो गोरी है, तेरी चाची भी काली है, नहीं गोरी है, वे गोरे हैं और हम काले हैं, मतलब हैं तीनों काले हैं, मतलब हम देख लो। अबुआ अबुआ कैसी है, बुआ थोड़ी नोसी तो गाइस आज का सुबह सुबह सबको नाश्ता हो गया, फ्रेश व्रेश हो गए अपने, अब तैयारी हो गई है, मैं तो भैया मुंह धोयो, अभी नहाऊंगा मैं, पहले दाढ़ी वाड़ी सेट करवाऊंगा, जब नहाऊंगा तो अब चल रहा हूँ मैं दुकान पे, तो मैं जा रहा हूँ दुकान पे, टाइम बजे नौ को टाइम हो रहा है, ठीक है नौ भी नौ बजे, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ दुकान पे। हाँ जी तो चलो गाइस, जय बाबा की, जय भाटी बाबा की। Thanks for watching.